आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हेल्थ इश्यूज़ के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिला है। इसको प्रोटॉन थेरेपी कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने इसको न्यूज़ में बहुत सुना होगा प्रोटॉन थेरेपी के बारे में। और प्रोटॉन थेरेपी को हम जल्दी से रिविज़न करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रोटॉन थेरेपी में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। आपको पता है एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एंड देन न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, इसकी हेल्प के द्वारा जो है प्रोटॉन थेरेपी की जाती है। एंड जो कन्वेंशनल थेरेपी है, जिसको एक्सरे थेरेपी कहते हैं, जिसको आप ये फिगर में देख सकते हैं, दीज फिगर्स आर, इसमें ये दिखाया गया है कि ये एक्सरेज थेरेपी को दिखा रहे हैं। और इस साइड के जो राइट हैंड साइड पर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्रोटॉन थेरेपी के पिक्चर्स को दिखा रहा है। इसको अभी हम समझाएंगे आपको बहुत ही क्विक तरीके से, इसमें आखिर मेजर डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि दैट यूजेज अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स टू इरेडिएट डिजीज टिश्यू। जो भी कोई टिश्यू है, सपोज करिए जहाँ पर ट्यूमर सेल्स या फिर कैंसर सेल्स डेवलप हो गई हैं, तो इस पर जो है प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट होगी एंड प्रोटॉन के द्वारा इसको क्योर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था, इसकी जगह पे एक्सरेज भी, एक्सरे थेरेपी भी काफ़ी यूज में होती थी, ठीक है, एक्सरेज का यूज़ किया जाता था। तो वो अभी होती है, एक्सरे इस अभी होती है, काफ़ी प्रेवेलेंट है, और प्रोटॉन थेरेपी की हम अभी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। तो इसमें ये देखने वाली क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, द डोज इज डिपोजिटेड ओवर नैरो रेंज ऑफ डेप्थ एंड देयर इज अ मिनिमल एंट्री एग्जिट एंड स्केटर्ड रेडिएशन डोज। तो इस प्रोटॉन थेरेपी की खास बात क्या है, ये पिक्चर से ही क्लियर हो जाती है कि अगर ये एक्सरे थेरेपी के द्वारा पिक्चर ली गई है, इसमें सपोज करो ये कोई सेल है, यहाँ पर कैंसर या ट्यूमर डेवलप हुआ है, एक्सरेज के द्वारा जो बॉम्बार्डमेंट होता है वो इसको पास कर जाता है। जो एक्सरेज होती है, यानी कि ये सेल इतनी डैमेज है, इसको तो एक्सरेज पेनिट्रेट करेगी, लेकिन इसके आसपास जो सेल है उस पर भी एक्सरेज चली जाती है। इसलिए केवल कैंसर ट्यूमर यहाँ पर बीच में हुआ है, लेकिन जो रेडिएशंस हैं वो पूरे भाग में आई हुई हैं। लेकिन ऐसा केस प्रोटॉन थेरेपी में नहीं होता है। अगर यहाँ पर ट्यूमर है इस पॉइंट पर जहाँ पर ये कर्सर चल रहा है, अगर एक सेंटर पे जो है ट्यूमर सेल डेवलप हुई है, तो प्रोटॉन थेरेपी टारगेटेड होती है। इसकी काफ़ी जो है हाई एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट ज़्यादा होती है प्रोटॉन थेरेपी, तो इसकी एक्यूरेट टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड मानी जा रही है। और ये न्यूज़ में क्या होती है, हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि रिसेंटली भारत में क्या हुआ, साउथ एशिया का फर्स्ट प्रोटॉन थेरेपी जो है चेन्नई में ओपन किया गया। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, मैं एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ये रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है 16वीं ऐसी कंट्री बनी है, 16th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस सेंटर, ठीक है, चेन्नई में अपोलो के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये प्रोटॉन थेरेपी की सुविधा शुरू की गई है। एंड इसकी लिमिटेशन केवल यही है कि ये हाईली जो है एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगी है आम आदमी के लिए, एंड स्पेशलाइज्ड तो है ही, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। प्लस इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, सारे प्रकार के कैंसर इसको कवर नहीं करते हैं। तो ये इस थेरेपी के बारे में बेसिक जानकारी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत कम समय में हमने इसको रिविजन करने की कोशिश की, और जल्द ही अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे रिविजन की सीरीज में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।